सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स रैंडम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। आज हम जनरल साइंस में मींस सामान्य विज्ञान में ब्लड वाले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इसकी प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने ब्लड क्या होता है, उसका पीएच क्या है, स्टडी ऑफ ब्लड को क्या कहते हैं और ब्लड की फॉर्मेशन कैसे होती है, हीमोग्लोबिन का लेवल क्या है, किस तरीके से ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस लास्ट वीडियो में करवाई थी। और आज हम उसी के बाद वाले टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। आज के इस वीडियो में हम स्प्लीन मीन्स की तिल्ली या फिर प्लीहा, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड के कुछ फंक्शंस, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। रक्त और रुधिर, ब्लड, ये तीनों एक ही चीज़ के नाम है। तो ब्लड में आप जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे वो है स्प्लीन। इसका मतलब हिंदी में इसको प्लीहा या फिर तिल्ली कहते हैं। और सबसे पहले इसे स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये होता कहाँ पर है और किस तरीके से ये इम्पॉर्टेंट है। तो जो स्प्लीन है वो हमारे अपर लेफ्ट साइड में होता है और ये हमारी बॉडी में बहुत सारे मल्टीपल सपोर्टिंग रोल्स प्ले करता है, ठीक है। इन शॉर्ट, जो स्प्लीन है उसमें हमारा ब्लड स्टोर भी होता है और इसे ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्र। तो कौन सी सिचुएशन में ये ब्लड बैंक के लिए ब्लड बैंक की तरह काम करता है और कौन सी सिचुएशन में ये कब्र मींस की ग्रेवयार्ड की तरह काम करता है, तो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। अब देखिए, स्प्लीन जो होता है हिंदी में इसको प्लीहा या फिर तिल्ली कहते हैं। इट एक्ट एज अ फिल्टर फॉर अ ब्लड एज अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। Old red blood cells are recycled in the spleen. Platelets and white blood cells are stored there. Spleen also helps fight certain kinds of bacteria that cause pneumonia. जो हमारा spleen है इसमें बहुत सारी जो dead cells होती हैं RBC की, यानी कि red blood cells की, लाल रक्त कणिकाएँ की जो dead cells होती हैं वो इसमें चली जाती हैं, तो इसलिए ये ग्रेवयार्ड बन जाता है RBCs के लिए, मींस कि RBC के लिए ये कब्र का काम करता है। अब ऐसा क्यों होता है कि जो RBC हैं वो इसी में, उन्हीं के लिए ये कब्र का काम करता है, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि अगर स्प्लीन में ग्रेवयार्ड पूछा जाए कि ये ग्रेवयार्ड कब है या किस चीज़ के लिए है, तो वो RBC के लिए होता है, मींस कि लाल रक्त कणिकाओं के लिए। और अगर ब्लड बैंक बोला जाए तो इसमें ये हमारे सारे ब्लड को स्टोर करता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसका कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है कि ये एक वैक्सी सब्सटेंस है, मींस कि एक बहुत ही चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है। और ये जब कभी भी हम कोई फैटी फूड या फिर ऑयल वाला या कुछ बाहर का तला भुना खाते हैं, उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट हमारी बॉडी में डे बाई डे बढ़ता जाता है। अगर ये ज़्यादा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल अगर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये हमारे हार्ट से चिपक जाता है, जिसकी वजह से जो हार्ट है उसकी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम होती है, मीन्स कि दिल के धड़कने में प्रॉब्लम होने लग जाती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। Our body needs cholesterol to build healthy cells and high level of cholesterol can increase risk of heart disease. अब चाहे cholesterol हो या फिर कुछ भी ऐसा हो, अगर एक particular amount हमारी body में हर चीज़ के लिए fix होता है, अगर उस amount से ज़्यादा या कम कोई भी चीज़ होती है तो वो हमारे ऊपर उसका साइड इफेक्ट आता ही आता है। तो कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है तो हार्ट अटैक के या फिर हार्ट डिजीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और कोलेस्ट्रॉल की मेजरमेंट जो होती है वो डेसीलीटर में होती है, 200 ग्राम्स पर डेसीलीटर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका फंक्शन ऑफ ब्लड, मीन्स कि जो ब्लड मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ब्लड क्या होता है, उसका पीएच, अब उस ब्लड के फंक्शन क्या है। तो जो ब्लड है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है फंक्शंस ऑफ ब्लड, हम ब्लड के बारे में बहुत कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन फंक्शंस ऑफ ब्लड मोस्टली हम पढ़ते नहीं हैं या फिर हमें पता नहीं होता है। तो आज हम ये भी पढ़ने वाले हैं ब्लड के क्या कार्य होते हैं। नाउ फर्स्ट है, ब्लड प्रोवाइड्स द बॉडी सेल्स विद ऑक्सीजन एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स कि जो ब्लड है वो गैसों का, गैस इसमें दो होती हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनका ट्रांसपोर्टेशन करता है, परिवहन करता है, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। जो हमारा ब्लड है वो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, मीन्स कि जो हमारी बॉडी का जो ताप है, टेम्परेचर है, उसको नियंत्रण में रखता है। अब हम सबको पता है कि हम लोग वार्म ब्लडेड है, हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो मूव करता रहता है, जिस वजह से जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है और हम लोग गर्म रहते हैं, इसलिए हम वार्म ब्लडेड में आते हैं। तो ये ब्लड का ही काम होता है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना। नेक्स्ट पॉइंट इज, थर्ड पॉइंट इज ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड हॉर्मोन्स। जो ब्लड है, हमारा रुधिर है, ये पोषक पदार्थों का भी परिवहन करता है। फोर्थ पॉइंट है ब्लड ब्रिंग्स वेस्ट प्रोडक्ट टू द किडनीज एंड लीवर। ब्लड जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जिसकी हमारी बॉडी को नीड नहीं होती, उनको किडनी एंड लीवर तक लेकर जाता है। हिंदी में इसे बोलते हैं उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन। अब इसके बाद जो टॉपिक आता है ब्लड, जब हम ब्लड बोलते हैं, वर्ड जो है ये रुधिर या रक्त, तो इसकी जो स्टेट होती है ये विस्कस होता है, ठीक है। लेकिन अगर ब्लड में और डीपली हम पढ़े तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, या तो सॉलिड में या फिर लिक्विड में। जो सॉलिड वाला पोर्शन होता है ब्लड का, उसको हम कॉर्पल्स कहते हैं, यानी कि रुधिराणु, और जो लिक्विड वाला पोर्शन होता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और प्लाज्मा को हिंदी में भी प्लाज्मा ही बोलते हैं। जो ब्लड में प्लाज्मा का जो अमाउंट है वो 60% होता है, और कॉर्पल्स का जो अमाउंट है वो 40% होता है। अब ये जो दोनों है, ये दोनों से मिलके हमारा ब्लड बनता है। ब्लड इसके बाद में जो प्लाज्मा है, इसमें जो होते हैं दो चीज़ें हैं इसमें, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोबिन। जो फाइब्रिनोजन है ये क्या होता है, एक लिक्विड होता है, इसे अगर हम ब्लड से निकाल देते हैं तो अगर इसे प्लाज्मा से निकाल देते हैं, क्योंकि ये प्लाज्मा में पाई जाती हैं दोनों चीज़ें, अगर फाइब्रिनोजन को प्लाज्मा से निकाल दिया जाएगा तो जो हमारा प्लाज्मा है वो वैसे भी येलो कलर का होता है, लेकिन ये निकालने के बाद वो और ज़्यादा येलो और थोड़ा पतला हो जाता है। जिस जो ये पतला और लिक्विड जो चीज़ आपको मिली फाइब्रोजन निकालने के बाद, उसे हम सीरम कहते हैं। जब कभी भी अगर आपको कोई डिजीज़ है, कोई बीमारी है, और उसका चेकअप अगर हम डॉक्टर से करवाते हैं, तो किसी भी बीमारी का चेकअप हमारे सीरम के थ्रू किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि जो ब्लड है, ब्लड में क्लोटिंग होने लग जाती है। क्लोटिंग का मतलब है खून का थक्का जम जाना, खून इकट्ठा हो जाना। लेकिन जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन निकाल दिया जाता है तो उस टाइम पे ब्लड में क्लोटिंग नहीं होती, और ये चीज़ सीरम कहलाती है। इसलिए हमेशा डिजीज़ की जो जांच होती है, किसी भी बीमारी का पता लगाना होता है चेकअप के टाइम पे, तो वो सीरम से पता किया जाता है। अब नेक्स्ट है रुधिराणु, ये हमारे 40% होते हैं, लेकिन ये भी थ्री पार्ट्स में डिवाइड है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ये आपने बहुत बार सुना होगा, तीनों के बारे में पढ़ा होगा। RBC का मतलब होता है लाल रक्त कणिकाएं, WBC श्वेत रक्त कणिकाएं, और प्लेटलेट्स, ठीक है। अब ये जो नीचे मैंने दे रखे हैं, ये इनके साइंटिफिक नेम है, अगर आप इसको साइंस की लैंग्वेज में, मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं तो RBC का जो दूसरा नाम है वो है एरिथ्रोसाइट्स, WBC का ल्यूकोसाइट, एंड प्लेटलेट्स का थर्मोसाइट्स। इसके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, SSC में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सपोज आपको ये दे देंगे एरिथ्रोसाइट किसका दूसरा नेम है, तो RBC आपको ऑप्शन में दे रखा होगा, आपको तब पता होगा, अगर लर्न होगा तो आप ये टिक करके आ सकते हैं। तो इसलिए जब RBC आप पढ़ते हैं तो इनके जो दूसरे वाले नेम्स मैंने दे रखे हैं तो इन्हें भी अच्छे से लर्न कीजिएगा। इसके अलावा अगर क्वेश्चन आता है कि ब्लड में कौन से वाला पार्ट सबसे ज़्यादा होता है, तो वो प्लाज्मा है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आता है कि जो रुधिराणु है, कॉर्पसल्स हैं, इनमें सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका होता है, तो वो RBC का होता है। तो दोनों तरीके से अगर आपके क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप कंसेप्ट क्लियर करके करेंगे तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ये क्वेश्चंस किस टाइप से एग्जाम में आते हैं, इसके भी मैंने टाइप्स आपको दे रखे हैं, बट पहले आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद में जो RBC, WBC और प्लेटलेट्स हैं, इनके बारे में देखिए। RBC रेड ब्लड सेल्स होती हैं, इनकी लाइफ जो होती है वो 120 डेज की होती है, और 4.5 to 5 million ये होती हैं, मीन्स कि 50 lakhs अप्रॉक्स, ठीक है। जो WBC है, इनको वाइट ब्लड कॉर्पल्स कहते हैं, ये इनकी जो लाइफ होती है वो 5 to 10 days की होती है, और ये अप्रॉक्स 10 के होती है, मीन्स कि 10,000 के करीब करीब हमारी बॉडी में WBC होती है। WBC के बढ़ने या फिर घटने से कैंसर होता है, ठीक है। इसके अलावा जो HIV एड्स की जो डिजीज़ है, इसके बारे में भी हम इसमें WBC में ही पढ़ेंगे। अभी इसकी जो लाइफ है 5 to 20 days, और इसका आपको पता होना चाहिए कि कितने लेवल पे ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है,
ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन प्लेटलेट्स पे आता है। इसकी जो लाइफ होती है 3 to 5 days की होती है और ये 2 lakhs अप्रोक्स हमारी बॉडी में पाई जाती है। इसके अलावा अगर सपोज हमारी बॉडी में WBC या फिर प्लेटलेट्स, ठीक है, अब जो RBC, WBC और प्लेटलेट्स हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीनों के बारे में और ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे कि ये क्या क्या होती हैं, क्या फंक्शंस होते हैं इनके। अभी सिर्फ आपको इतनी चीज़ें लर्न करनी है। इसके अलावा जो WBC और प्लेटलेट्स होते हैं, इनमें लाइसोसोम होता है जो इनको मार देता है। अगर सपोज क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास जो आपकी WBC और प्लेटलेट्स हैं, इनको अगर क्योंकि RBC में तो लाइसोसोम होता नहीं है, तो अगर इनमें ये चीज़ ख़त्म हो जाए, ठीक है, ब्लड से अगर WBC या फिर प्लेटलेट्स और RBC ये सब चीज़ें अगर ख़त्म हो जाती हैं, तो जो प्लाज्मा है उसमें आगे से उसमें क्या प्रोसेस होगा। तो अगर ये चीज़ें ख़त्म भी हो जाती हैं तो दोबारा से रिसाइकिल के प्रोसेस से ये चीज़ें हमारी बॉडी में वापस से बनने लग जाती हैं। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट से आप इन्हीं के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है जो हमारे प्रीवियस ईयर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आए हैं। 1 by 1 एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी चीज़ आपको डाउट होती है, समझ में नहीं आता है, तो प्लीज़ मुझसे कमेंट करके पूछिएगा। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज अदर नेम ऑफ रेड ब्लड कॉर्पल्स RBC। RBC का दूसरा नेम क्या है या फिर WBC का दूसरा नेम क्या है? तो ये दोनों क्वेश्चंस मैंने आपको ऊपर यहाँ पे डिस्कस करे थे, RBC का एरिथ्रोसाइट और WBC का ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का क्या है, थर्मोबोसाइट। सो ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस आपको गिवन है, तो आपको इनके दूसरे वाले नेम लिखने हैं जो आपको ऑप्शन में गिवन होगा, आपको एक टिक कर देना है उसमें से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अदर नेम ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स, तो ब्लड प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है थर्मोबोसाइट्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सेल इज मोस्ट अबंडेंट इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में कौन सी वाली सेल सबसे ज्यादा अबंडेंट होती है, मीन्स की बहुत ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है, तो वो रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। हमारा जो ब्लड है 2 parts में डिवाइड होता है, प्लाज्मा में और रेड ब्लड सेल्स में। अगर बॉडी में जो हमारी कॉर्पल्स होती है, रुद्राणु होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, अगर ये तीनों खत्म हो जाती हैं तो भी हमारे ब्लड में प्लाज्मा बचेगा, और जिस वजह से दोबारा से जो ब्लड ये तीनों चीज़ों के बनने की का जो प्रोसेस है वो दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड ब्लड कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जो हमारा ब्लड है वो रेड कलर का होता है, किसकी वजह से होता है, तो वो पिगमेंट हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू काउंट नंबर ऑफ RBC, RBCs को काउंट करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट की हेल्प ली जाती है या किसका उपयोग किया जाता है? आंसर है हीमोसाइटोमीटर। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बॉडी, ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है ह्यूमन बॉडी में वो किसके थ्रू होता है? ब्लड के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्गन एज अ ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो आंसर है आपका स्प्लीन या फिर तिल्ली या प्लीहा। जो भी आंसर अगर आप हिंदी में करते हैं तो तिल्ली या प्लीहा आएगा, और अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो स्प्लीन पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो स्प्लीन है ये दोनों तरीके से काम करता है, ये ब्लड बैंक भी है और ग्रेवयार्ड भी है RBC का, मीन्स की जो कब्र है वो भी RBC की स्प्लीन है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी RBCs होती हैं इनके अंदर लाइसोसोम नहीं होते, इसलिए जो हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं जब वो मर जाती हैं तो वो स्प्लीन में चली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टू नेम पार्ट्स ऑफ द ब्लड, जो ब्लड है उसके दो मेन पार्ट्स कौन से हैं या कितने पार्ट्स में डिवाइड है? तो वो 2 parts में डिवाइड है, फर्स्ट है प्लाज्मा, सेकेंड वन इज ब्लड कॉर्पल्स। इनका रेशियो जो है 60% होते हैं प्लाज्मा और 40% होता है ब्लड कॉर्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलर ऑफ ब्लड प्लाज्मा, जो ब्लड प्लाज्मा है उसका कलर क्या होता है? येलो कलर होता है। नेक्स्ट वन इज कलर ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज येलो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट, जो प्लाज्मा है वो येलो कलर का होता है, वो किस पिगमेंट की वजह से होता है? तो आंसर है बिलरुबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में मानव शरीर में जो ब्लड की क्वांटिटी है कि कितने अमाउंट में ब्लड पाया जाता है, तो वो 7 to 8% है ऑफ द बॉडी वेट। जो भी बॉडी वेट होता है उसका 7 to 8% अमाउंट हमारा ब्लड एग्जिस्ट करता है। लास्ट क्वेश्चन है फिल्टरिंग ऑफ ब्लड थ्रू आर्टिफिशियल किडनी इज, जब ब्लड से ब्लड को आर्टिफिशियल किडनी से फिल्टर किया जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस में क्या होता है, एक निडल मतलब इसमें 2 needles की जरूरत होती है, दोनों को हाथ में लगाया जाता है, एक निडल से पूरी बॉडी का जो ब्लड है स्लोली स्लोली वो बाहर निकाला जाता है और वो मशीन में जाता है जिसको डायलिसर या फिर डायलिसिस मशीन कहते हैं।
ये जो मशीन होती है इसमें सीरीज मेम्ब्रेन लगी होती हैं जो कि फिल्टर का काम करती हैं, और इस मशीन के अंदर एक स्पेशल लिक्विड डाला जाता है जिसको डायलेसेट कहते हैं। जब हमारी बॉडी का जो ब्लड है वो इस मशीन से पास होता है, इस मशीन से गुजरता है, तो ये उसके जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये मशीन उसको वहीं पे किल कर देती है, उन जर्म्स को मार देती है। उसके बाद में ये एक डायलेसेट फ्लूइड से पास होते हुए, प्योरीफाई होते हुए हमारी बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है। इस प्रोसेस को हम डायलिसिस कहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इसमें ये हमारा ब्लड का सेकेंड पार्ट था। अब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम WBC, RBC और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़।